अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अगर आप दुआ के मुतल्लिक खूबसूरत कॉल सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखिए। मेरा अल्लाह जानता है कि उसका बंदा बहुत थक चुका है, ना उम्मीदी रोज उसकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करती है, बस वैसे रोज उसे परेशान करते हैं कि दुआ मांगना छोड़ दो, लेकिन अक्सर यकीन डगमगाए हुए एकदम संभल जाता है तो महसूस होता है कि उसे ताकतवर अल्लाह ने सहारा दे दिया है। बस फिर सब आसान लगता है और सब्र का तवील सफ़र खुशी खुशी तय हो जाता है। अगर तुम्हारा दिल बार बार तुमसे इस बात पर लड़ता है कि अब हिम्मत नहीं हारनी, अभी तो और भी शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है, अभी तो आसमानों से दुआओं की कबूलियत उतरनी देखनी है, अभी तो कुन फयकून की खुशबू महसूस करनी है, तो आप जान लो अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गई और अब मौजज़ा भी आने वाला है। और जान लो कबूलियत की देरी अल्लाह की हमसे मोहब्बत भी तो हो सकती है। तुम तड़पा कर सजदों में गिर आए हो, सब्र तुम्हें हलकान कर देगा। दुआओं से नाउम्मीद हो जाओगी तो बस फिर जहां सब्र ने तुम्हें जवाब देना है, फिर वहां रब तुम्हें बताएगा कि देखो ऐसे होते हैं मौजज़े, देखो ऐसी दुआएं कबूल होती हैं। बस थोड़ा सब्र और कर लो, यहाँ तक भी तो सब्र किया है ना, थोड़ा सा और सही हो सकता है, वो तकदीर का लम्हा बदलने वाला हो सकता है, अगले कदम पर मौजज़ा हो जाए। बहुत आगे होना सब्र करते करते, आंसू बहाते बहाते हर बार ख्याल आता है कि सब हद हो गया, अब कुछ भी बाकी नहीं बचा, अब कौन सी दुआ कबूल होगी और भला कौन सा मौजज़ा होगा। और पता है ये ख्यालात सब्र की आखिरी हद पर आते हैं, फिर तभी वो कौन फरमा कर मौजज़ा दिखा कर हमें दिखाता है कि देखो मैं मौजूद हूँ, तुम्हारा अल्लाह हूँ, हर चीज़ पर कादिर हूँ, मुझे तुम्हारा मांगना बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारे सब्र में आंसू बहुत पसंद है, इसलिए इंतज़ार करवा रहा हूँ। जानती हो हमारे ये आंसू भी उनका हिस्सा होते हैं, जब भीगी आंखों से, लरजते हाथों से और कांपते होठों से सदा निकल कर अर्श से टकराती है तो पल भर में मौजज़े हो जाते हैं और फिर मुकद्दर का लिखा बदलता है, मनपसंद दुआएं कबूल होने लगती हैं और फिर मनपसंद शख्स के बारे में जो हमारे हक में लिखकर हमारी कहानी को कुन से नवाज दिया जाता है। तुम्हारी कहानी के आखिर में एक और तुम्हारी कहानी है जो मनपसंद शख्स का मिलना है। तुम्हारी कहानी जल्द कुन फयकून से मिलेगी, बस तुम अपनी कहानी लिखने वाले पर अल्लाह पर यकीन रखो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।